अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका प्लंबिंग व्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये टी का इस कॉलर के अंदर टी लगा हुआ था दोस्तों, वो ऊपर से गिरने की वजह से क्रैक हो गया है और थोड़ा हिस्सा उसके अंदर फंस गया है कॉलर के अंदर, वो निकल नहीं रहा था। इसलिए हम लोगों ने उसको किस तरह से निकाला है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर प्लंबिंग रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, प्लंबिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है और प्लंबिंग की ट्रिक्स और टिप्स भी दी जाती है। तो हमारे चैनल पर आपको प्लंबिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जो ट्रिक है ना, इसको सॉल्यूशन के साथ करना है ताकि जो अंदर का पार्ट है, जो फंसा हुआ पार्ट है, वही सिर्फ गर्म हो। अगर हम बाहर से कागज़ या पेपर से आग लगाएंगे या हीट से गर्म करेंगे ना, तो बाहर का कॉलर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन का यूज़ किया है दोस्तों। दोस्तों सॉल्यूशन से जल्दी गर्म होता है, आग भी अच्छी लगती है और जल्दी गर्म होता है, और उसका जो सॉल्यूशन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है दोस्तों, चीज़ को गर्म करने में है ना। आग जिसको फौरन पकड़ लेती है, फौरन लग जाती है आग। देखो गर्म हो जाने के बाद थोड़ा इस तरीके से निकलता है दोस्तों, इस तरीके से मार्बल के जरिए से हमने इसको निकाला है। ये देखो दोस्तों कॉलर भी कोई डैमेज नहीं है, अच्छी तरीके से कॉलर सही से हमने निकाला है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।